नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र शर्मा कंप्यूटर टिप्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बॉर्डर एंड शेडिंग कमांड का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पेज पर बॉर्डर एंड शेडिंग वाली कमांड का यूज़ करते हैं। तो इस पेज को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बॉर्डर एंड शेडिंग। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो सबसे नीचे यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग वाला ऑप्शन आता है। इस पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ एक बॉर्डर वाला बॉक्स ओपन हो जाता है और इसमें काफ़ी सारे बॉक्स दिए हुए हैं, जैसे नन बॉक्स, शेडो, 3D और कस्टम। इसमें से हमने बॉक्स वाले जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ हम लाइन की स्टाइल को ले सकते हैं, किस प्रकार की हमें लाइन की स्टाइल चाहिए और किस प्रकार का हमें कलर चाहिए, वे कलर भी हम यहाँ से चूज कर लेते हैं और ओके वाले जो ऑप्शन है उस पर प्रेस कर देते हैं। तो हमारे जो पेज का जो बॉर्डर है इस प्रकार का बन करके तैयार हो जाता है। अब हम चाहते हैं इस पैराग्राफ का बॉर्डर बनाना, तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसके बाद में यहाँ मान लीजिए बॉक्स वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया और इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ फिर से इस का कलर जो है चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में और यहाँ लाइन की जो स्टाइल है उसको भी हमने चेंज कर लिया। मान लीजिए हमने इस प्रकार की लाइन को ले लिया और यहाँ ओके वाले जो ऑप्शन है उस पर प्रेस कर देंगे, तो अब हमारे जो पैराग्राफ है उसकी स्टाइल यानी उसका जो बॉर्डर है वह इस तरह का बन जाता है। अब हम अपने इन टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन टेक्स्टों को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पर जाते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पर हमने मान लीजिए यहाँ ये जो बॉक्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक किया और यहाँ से लाइनों की जो स्टाइल है उसको चेंज कर दिया। मान लीजिए हमें इस तरह की लाइनें चाहिए। अब हम यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ से इस प्रकार का ये कलर ले लिया और कलर लेने के बाद में यहाँ पे अप्लाई टू में अंदर एक ऑप्शन है टैक्स। इस टैक्स वाले ऑप्शन को हमने जैसे ही सेलेक्ट किया और यहाँ ओके वाले जो बटन को प्रेस किया तो यहाँ हमारा जो टैक्स है इसके चारों तरफ बॉर्डर बन के तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम टैक्स पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं, पैरा पर भी बॉर्डर लगा सकते हैं और पूरे पेज पर भी बॉर्डर बना करके तैयार कर सकते हैं। अब हम इन सारे पेजों पर ही बॉर्डर कमांड को अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन है पेज बॉर्डर। जैसे ही हमने पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ नीचे एक आर्ट वाला ऑप्शन आता है। इसमें काफ़ी आर्ट बने हुए हैं, रेडीमेड आर्ट, और इन आर्ट पे जैसे ही हमने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ अप्लाई टू में एक ऑप्शन आता है होल डॉक्यूमेंट। जैसे ही हमने यहाँ होल डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ ओके वाले जो बटन पे प्रेस किया तो यहाँ पे जो हमारी बॉर्डर वाली कमांड है वो अप्लाई हो जाती है, सभी पेजों पे अप्लाई हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर वाली कमांड है ये सिर्फ हमारे इस पहले पेज पर ही हमें दिखाई दे, बाकी इन सभी पेजों से हट जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ अप्लाई टू के अंदर एक ऑप्शन आएगा दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। तो जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया और ओके वाले बटन को प्रेस किया तो हमारी जो कमांड है सिर्फ पहले ही पेज पर लगेगी, बाकी सारे पेजों से ये कमांड हमारी हट जाएगी बॉर्डर वाली। अब हम चाहते हैं कि ये जो कमांड है वह पहले पेज से हट करके और सभी पेजों पर लग जाए, तो इसके लिए हम बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पर जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ अप्लाई टू वाले ऑप्शन में अंदर ऑप्शन है दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ ओके वाले जो बटन को प्रेस किया तो अब हमने देखा कि ये जो कमांड है पहले वाले पेज पर से हट करके सभी जो नीचे वाले पेज हैं उन पे अप्लाई हो जाती है ये कमांड। तो इस प्रकार से हम बॉर्डर वाली कमांडों का यूज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो जो टैक्स हैं उनकी जो थीम कलर है वो चेंज हो जाए, तो सबसे पहले हम
इस पेज को सेलेक्ट कर लेंगे। इस पेज को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेडिंग, शेडिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक थीम कलर वाला ऑप्शन है। इस थीम कलर में काफ़ी कलर दिए गए हैं, इनमें से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये कलर यहाँ से चूज कर लिया और इस प्रकार से ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब हम इस कलर को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो फिर से इस पेज को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ जो शेडिंग वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है नो कलर। जैसे ही हमने नो कलर पे प्रेस किया तो ये जो हमारे कलर हैं हट जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन बन करके तैयार हो जाए, तो इसके लिए हम बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पे सबसे पहले जाएंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम कोई भी हॉरिजेंटल लाइन को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से ये वाली जो लाइन है उसको चूज कर लिया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ ओके वाले जो ऑप्शन पे प्रेस किया तो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल वाली लाइन बन करके तैयार हो गई। इस प्रकार से हम हॉरिजेंटल लाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि बॉर्डर एंड शेडिंग वाली जो कमांड है उसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।